बिहार का लोकप्रिय पर्व छठ आज नहाए खाए से शुरू हो गया। न केवल बिहार बल्कि बड़ी तादाद में उत्तराखंड में निवास करने वाले बिहार के लोग इस पर्व को उत्तराखंड में भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस क्रम में हरिद्वार की पूर्वांचल जन जागृति संस्था द्वारा छठ पूजा के कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसपे उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। तो हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौजूद रहे। हरिद्वार में आयोजित हुए छठ पूजा के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि आज छठ जैसा पर्व बिहार से निकलकर पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष तौर पर उत्तराखंड में भी यह पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारी संस्कृति की धरोहर है। बिहार से निकलकर ये पर्व पूरे देश में फैला है और हम लोग भारत में हर पर्व को बहुत उमंग और उत्साह से मनाते हैं और छठ आप देखेंगे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस पर्व को बहुत ही उमंग के साथ मनाया जा रहा है। बहुत ही कठिन पर्व है, नियम और कानून के तहत ये पर्व मनाया जाता है। तो ये जो संस्कृति, जो धरोहर हमारी है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि इस तरह की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो आगे जनरेशन को मिले, उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हो रहा है। इस मौके पर अतिथि के तौर पर हरिद्वार आए किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि आज दुनिया में 4 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और हिंदुस्तान में भी लगभग 3 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया। आज दुनिया में 4 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और हिंदुस्तान में भी लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी संख्या में जो लोग बोलते हैं उन तक को अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भोजपुरी साथ अन्याय है और हम लोग विश्व स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उसका संज्ञान लिया है और आज मैंने यहाँ भी मंच से मांग उठाई है और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में बात उठी है। मुझे लगता है इसका जरूर संज्ञान लेंगे।